दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। 17 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई, नाम हसमुख। अब इसे बनाने वालों के लिए एक कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस सीरीज में कानून के पेशे को गलत और अमानवीय तरीके से दिखाया जा रहा है ऐसा बोलकर ये वाला नोटिस भेजा गया है। अभिषेक भारद्वाज और हार्दिक वशिष्ठ नाम के जो वकील हैं उन्होंने ये कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि जो संबंधित कंटेंट है इसे हटाया जाए और बिना शर्त माफी मांगी जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है ये जान लीजिए। सीरीज जो है हंसमुख, उसके एपिसोड 4 यानी बम्बई में बम्बू में ये कहा गया है कि जो वकील होते हैं वो चोर, बदमाश, गुंडे और बलात्कारी होते हैं। इसी को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। कहा यह गया है कि ये बातें बेहद बदनाम करने वाली हैं और आम जनता की नजर में कानून के पेशे को लेकर गलत छवि बना रही है। दोनों वकीलों का ये कहना है कि ये निंदनीय स्टेटमेंट को किसी भी तर्क से सही नहीं कहा जा सकता, इससे वकीलों को होने वाली क्षति को नहीं मापा जा सकता। अब ये जो सीरीज है हसमुख, इसके बारे में भी आप जानते जाइए। छोटे शहर का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, फाइनली उसे ब्रेक मिलता है, लेकिन हालात कुछ ऐसे उलझ जाते हैं कि उसे अपने करियर के लिए किसी का मर्डर करना होगा। कॉमेडियन वीर दास लीड रोल में है इस सीरीज में, साथ में रणवीर शौरी हैं, मनोज पावा हैं और सुहेल नय्यर जैसे एक्टर हैं। बाकी 17 अप्रैल को इसे रिलीज किया गया है और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, तारीफें भी कर रहे हैं ट्विटर पर। बाकी आप भी अगर जानना चाहते हैं और तो ये जाकर देखिए। और ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आप बस पालन करते रहिए लॉकडाउन का और खुद को संक्रमण से बचाए रखें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।